वेल आइए और प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। ए स्पीक्स ट्रूथ इन 55% ऑफ केसेस एंड बी स्पीक्स ट्रूथ 75% ऑफ केसेस। यानी ए 55% ट्रूथ यानी 45% फॉल्स, बी का 75% ट्रूथ 25% फॉल्स। डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ केसेस इन विच दे आर लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। आइए देखते हैं जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पीकिंग द ट्रूथ इज 55%, 55/100। तो ए नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, नॉट ए निकाल लेता हूं, 1 - 55/100 विच इज 45/100। ठीक है, इसी तरीके से बी स्पीकिंग द ट्रूथ 75/100 एंड बी नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ 25/100, 1 में से माइनस इसे हम कर लेंगे, करेक्ट। तो हमने ए के और बी के परसेंटेज निकाल लिया स्पीकिंग द ट्रूथ एंड फॉल्स। अब कहते डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ केसेस इन विच दे आर लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। आपसे क्या बोला गया, आपसे बोला गया प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ऑफ ए एंड बी, ए और बी का कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है कोई एक ही फैक्ट है, एक ही चीज है, लेकिन दोनों अलग अलग बातें बता रहे हैं। तो एक ही चीज को अगर दो लोग अलग अलग बातों में बताएंगे, पक्की बात है एक सही बोल रहा होगा, दूसरा गलत बोल रहा होगा। तो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का ट्रुथ, बी का फॉल्स, या ए का फॉल्स बी का ट्रुथ। भाई एक ही बात देखी दो लोगों ने, इसने सच बोला उसने झूठ बोला, तो दोनों की स्टेटमेंट अलग अलग हो जाएगी ना। ऐसे ए ने झूठ बोला, बी ने सच बोला, तो वो कुछ कह रहा है, वो दूसरा कुछ कह रहा है, तो दे आर कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर। बस आगे आसानी से आंसर, वैल्यू पुट करना है मुझे केवल 55/100 बी नॉट 25/100 ए नॉट 45/100 एंड बी 75/100, करेक्ट। जिसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 0.475 ये रिजल्ट आ जाएगा जी। इज इट क्लियर, बहुत आसान सी बात है जी, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे सामने। इसमें कहते हैं बैग कंटेन 10 व्हाइट 6 ब्लैक बॉल्स, बैग कंटेन 10 white plus 6 black यानी 16 balls bag में है जी, correct। 4 are drawn successively out without replacement, 4 आपने निकाली है जी without replacement, 4 balls are drawn without replacement, correct। अब probability देखो जी किस चीज की पूछी,
what is the probability they are alternately of different colors? Probability मेरे से पूछी, probability इस बात की कि they are alternately of different colors. Alternately different colors का मतलब हुआ, मान लीजिए white से start हुआ जी, वो चाहता है दूसरी black हो, तीसरी white हो, चौथी black हो, अलग अलग color होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आप ब्लैक से स्टार्ट करो, व्हाइट, ब्लैक एंड देन व्हाइट, ये दो केसेस मेरे पास हो सकते हैं जी, ठीक है। अब विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है जी, टोटल 16 बॉल्स हैं जी मेरे पास, धीरे धीरे एक एक बॉल कम करते चले जाएंगे जी। देखिए जी किस तरीके से जी, प्रोबेबिलिटी पहली बॉल व्हाइट 10/16, ठीक है, फर्स्ट बॉल व्हाइट 10/16 इसका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चलिए मैं यहां प्रोबेबिलिटी भी लगा देता हूं और मेन प्लस भी लगा देता हूं, करेक्ट, इनटू सेकंड व्हाइट, फर्स्ट इज व्हाइट सेकंड ब्लैक। अब सेकंड बॉल जब आप निकालेंगे तो फर्स्ट जो आपने निकाली थी 16 थी टोटल, अब 15 रह गई जी, उसके आगे 14 रह जाएंगे जी, देन मेरे पास 13 रह जाएंगे। ये तो आ गया जी टोटल बॉल्स का केस जी, 10 पहली वाइट, वाइट 10 थे जी, लेकिन ब्लैक बैग में अब भी उतनी है जी 6, लेकिन दूसरी बार आए तो वाइट निकाल चुके हैं एक, आप ये 9 रह गई जी, ये 5 रह गई जी। ऐसा एक केस तो ये हो सकता है जी। दूसरा, नीचे तो सेम आना है जी, करेक्ट, नीचे तो मेरे पास 16, 15, 14 और 13 आएगा। इस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल इज ब्लैक, ब्लैक है जी 6, यहां ब्लैक है जी 5, यहां वाइट है जी 10, यहां वाइट है जी 9, करेक्ट, बिल्कुल वही सेम थिंग हो गया जी आपके पास। और इसको जब मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे पास आ जाता है रिजल्ट 0.124, करेक्ट। ये मेरे पास प्रॉब्लम आया जिसमें आपने देखा कि अल्टरनेटली डिफरेंट बॉल्स चाह रहा था वो, कि अलग अलग बॉल्स मेरे पास आना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है जी मेरे सामने, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि ए प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू स्टूडेंट्स हुज चांसेस ऑफ सॉल्विंग इट इज 1/2, 1/3 एंड 1/4। मान लीजिए मैंने बोला लेट ए बी and C are 3 students। अब A के problem को solve करने के chances हैं 1/2, B को अगर कोई problem दिया जाता है तो उसके उस problem को solve करने के chances हैं 1/3, और सी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा प्रोबेबिलिटी 1/4, करेक्ट। अब बड़े ध्यान से सीखना जी इसको, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्वड। पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझिए, क्वेश्चन में बोला गया प्रॉब्लम इज सॉल्वड, इसको आप कुछ इस तरह से देखते हैं कि तीन बच्चों, एक प्रॉब्लम था जो सॉल्व नहीं हो रहा था, तीनों बच्चों ने अलग अलग करना स्टार्ट किया जी, तो क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट
problem is solved. प्रॉब्लम सॉल्व हो गया जी। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कब मानेंगे आप? ए ने किया तब भी सॉल्व मानेंगे, बी ने किया तब भी सॉल्व मानेंगे, सी ने किया तब भी सॉल्व मानेंगे, दो ने किया तब भी सॉल्व मानेंगे, तीनों ने किया तब भी सॉल्व मानेंगे। यानी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इसका मीनिंग हुआ वन में से माइनस कर दीजिए कि प्रोबेबिलिटी नो वन सॉल्व। यानी अगर तीनों में से कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया तभी तो मानेंगे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं वन में से माइनस कर दूं कि तीनों में से कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया तो आपके पास क्या बचेगा? वो केसेस बचेंगे जिनमें कहीं ना कहीं किसी ने सॉल्व जरूर किया जी। तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो वन सॉल्व का मतलब हुआ नॉट ए, नॉट बी, नॉट सी। बस आसान है। तो वन माइनस नॉट ए, नॉट ए का मतलब वन माइनस वन बाई टू, वन माइनस वन बाई थ्री, वन माइनस वन बाई फोर। वन माइनस वन में से वन बाई टू माइनस करेंगे वन बाई टू, दिस इज टू बाई थ्री, दिस इज थ्री बाई फोर। करेक्ट, ये थ्री कैंसिल, ये टू कैंसिल, वन माइनस वन बाई फोर। तो थ्री बाई फोर इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो प्रॉब्लम इज सॉल्व, थ्री बाई फोर प्रोबेबिलिटी आपके पास आई जी। करेक्ट, राइट, इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।